प्रत्तः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं प्रत्तर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोहविरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं प्रत्तर्भजामि शिवमेकमनन्तमद्यम् वेदांत विद्यमनघं पुरुषं महांतं नमादि भेदरहितं षड्भावशून्यं संसार रोगहरमौषधमद्वितीयं प्रत्तः संस्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं यहेन्दीनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो इति श्रीशिवस्य प्रातः स्मरणं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जिनि जागतिक भय हरणकारी एवं देवगणेर प्रभु जिनि गंगा देवी के धारण करेछेन जार बाहन वृषभ जिनि अम्बिकार ईश एवं जार हाते खट्टांग खाटेर पायार मतो मुद्गर त्रिशूल बरद एवं अभय मुद्रा सेई संसार रोग हरण करा अद्वितीय औषध रूप ईश श्री महादेव के आमी प्रातकाले शरण करी। भगवती पार्वती जार अर्धांगिनी जिनी जगतेर सृष्टि स्थिति ओ प्रलयेर कारण आदिदेव विश्वनाथ विश्व विजयी ओ मनोहर जागतिक रोगादि नष्ट करार अद्वितीय औषध रूप सेई गिरीश शिव के आमी प्रातकाले प्रणाम करे जिनि अंतरहित आदिदेव वेदांतेर साहाज्ये जाके जाना जाए जिनि पाप रहित महान पुरुष एवं जे नाम आदि भेद रहित छय विकार जन्म वृद्धि स्थैर्य परिणमन अपक्षय ओ विनाश होते वर्जित संसार रोग नाशेर अद्वितीय औषध सेई एकक शिव के आमी प्रातकाले भजना करि। जे व्यक्ति प्रातकाले निद्रा त्याग करे शिवेर ध्यान करे प्रत्येह एई तीनटी श्लोक पाठ करेन तिनि बहु जन्मेर संचित दुःखादि होते मुक्त हये शिव पद लाभ करेन।